Hello friends, welcome to TechCode YouTube channel. In this video, I am show you. In this video, learn about how to install Linux OS or Ubuntu step by step. Let's start. First, require OS pen drive or DVD. मतलब हमको pen drive और डीवीडी चाहिए ओएस इंस्टॉल करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इनपुट पेन ड्राइव और डीवीडी, पेन ड्राइव और डीवीडी होगी, उसको हम कंप्यूटर या लैपटॉप में इनपुट करेंगे। उसके बाद क्या करने का होता है हमको कि रिस्टार्ट योर कंप्यूटर और लैपटॉप, मींस हम हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट कीजिए और कंटिन्यूअसली प्रेस F2 या F12, आपके पीसी में जो भी दिया हो उसके हिसाब से आप की प्रेस करते रहिए कंटिन्यूअसली। उसके बाद क्या होगा कि बूट मैनेजर खुलेगा, उस बूट मैनेजर में आपको क्या करने का होता है कि पेन ड्राइव और अपने डीवीडी का ऑप्शन सिलेक्ट करने का होता है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, तो अगर आपको ओनली पोर्टेबल टाइप यूज करना है तो क्या करने का होता है, ट्रैफिक उबंटू क्लिक करने का होता है। अगर आपको उबंटू परमानेंटली इंस्टॉल करना है तो क्या करने का होता है, इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करने का होता है। ट्राई उबंटू पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपकी पेन ड्राइव में पोर्टेबल उबंटू होगा जो पेन ड्राइव निकालने के बाद रिमूव हो जाएगा, तो हमको क्या करने का, परमानेंटली इंस्टॉल करने का। तो क्या करेंगे हम, इंस्टॉल परमानेंटली इंस्टॉल करने का, तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा, तो क्या करेंगे हम, इंस्टॉल दिस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद से हम यूज करेंगे और कंटिन्यूसली देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपके पास नेट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, नेट आई डोंट हैव मेंट नेट वाईफाई कनेक्शन। अगर आपके पास नेट है तो नेट से कनेक्ट हो जाइए जिससे आपका इंस्टॉल परफेक्ट हो जाए। तो मेरे हिसाब से आप नेट से जुड़ जाइए और इंस्टॉल कीजिए जिससे आपके डेटा सिक्योर रहे और परमानेंट परफेक्ट इंस्टॉल हो जाए। तो क्या करने का, अपने वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करने का और इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करने का और कंटिन्यू देने का। मतलब क्या होता है, विंडोज 7 भी रहेगा और उबंटू भी रहेगा, दोनों एक साथ इंस्टॉल, हमारी ओएस इंस्टॉल रहेंगे। अब क्या करने का होता है कि ड्राइव चॉइस करने के होती है, इस ड्राइव चॉइस करने के मतलब क्या होता है कि हमारी कोई भी एक ड्राइव खाली रखने की जिसमें हम हमारी ओएस इंस्टॉल करें। तो फोर मिनिमम रिक्वायर्ड 4-5 GB होता है, तो हम क्या करेंगे, उतनी स्पेस वाली जगह पे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अपनी लोकेशन चॉइस करेंगे और कंटिन्यूस देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज चॉइस करेंगे और लैंग्वेज चॉइस करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके पीसी का नेम लिखने का आएगा, सब कुछ डिटेल फिलअप करने की आएगी, पासवर्ड डालना हो नहीं डालना हो तो भी आप ये प्रोसेस खत्म करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इंस्टॉलेशन सिस्टम शुरू हो जाएगा। फिर कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, बोलेगा कि रिस्टार्ट करो, तो फिर क्या करने का होता है, अपने को रिस्टार्ट करने का होता है। रिस्टार्ट करेंगे तो आपका पीसी कम्प्लीटली उबंटू इंस्टॉल हो जाएगा और कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।